कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर कराई गई परीक्षा में आईटीआई राठ के छात्र राहुल कुमार ने प्रदेश में पाया तीसरा स्थान। छात्र को प्रशस्ति पत्र 5,000 देकर किया गया सम्मानित। हमीरपुर जनपद के मझगवां थाना क्षेत्र के गोहानी गांव में देखने को मिला दबंगों का कहर। पीड़ित ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। पीड़ित का कहना है पुलिस ने 6,000 वसूले। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या घटना? सर मैं काल लाया था भैंस की घाट लेके, तो ताला के पास मंदिर है तो वहाँ पे मैं बैठा था, थोड़ी मेरी हवा दे दूँ बदन लेके आया था, तो बोला तांसन खेल, मैंने कहा भैया मैंने तांसन खेलता, बोला तुझे खेलना पड़ेगा रिगड़ा दी, मैंने कहा सर भैया नहीं खेलूँगा, तो मैंने दो बार मना किया, उसने तीसरी बार मुझे बहुत मारा, लात मारा, घूसा मारा, कल झाकर आकर डरे थे वो भी उठा के मारे गिट्टी पर पड़ी थी। पुरानी रंजिश थी क्या? कुछ नहीं, कल भी से है, वो बहुत पुराने वो हैं, गुंडे गुंडे हैं बहुत, तो मैंने इतना कट किया, तो मैं कल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो कम कुछ नहीं सुना, 6,000 रुपया ले लिया वो सर दरोगा ने, कुछ भी नहीं सुना, कल पुलिस भी नहीं आई, कुछ नहीं आई, बोली चलो आ रहे हैं। आपने रिपोर्ट दर्ज करी? हाँ सर, एप्लीकेशन सब कुछ दिया, 6,000 रुपया ले लिया कल आपने। हाँ आपने पैसे किसको दिए? उसी वहीं पर दिए थाने में, एक जो लेता है पैसा। कितने पैसे दिए? 6,000 रुपया। किस वो पैसे किस बात के दिए आपने? ये एप्लीकेशन हमारी टाइप दी, तुरंत कानून करे। दरोगा का नाम मालूम है जिसको दिए? वो हम जानते नहीं है दरोगा है कौन है, वही बैठा था उधर जो भी बैठा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? भगवान दास। किस गांव के हैं? कोठा गोहानी से। क्या घटना घटी आपके भाई के साथ? मेरे भाई को एक हाथ से आया तो चारा लेके आया, घाट लेके, तो इसको पत्ते खिलाने के लिए गुंडो लड़कों ने बुलाया। कौन लोग थे वो? विकास नाम था, लोधी थे, और जो है ये पत्ते नहीं खिला तो उसको मारने पीटने के लिए धमकी भी दी और मारा पीटा भी, जाकर जूकर में पटक दिया और जहाँ कॉलर वॉलर पकड़ के दो चार लात भी मार दिया, तो उसके बाद पीट पट के घर पर चला आया, जो बाकी लोग थे वो देखते देखते चिल्ला पड़े, तो उसने बेचारा किया, उसके बाद में उतनी हम लोग घर आ गए, प्रधान के पास गए तो प्रधान बोले थान दिया, थाने गए तो थाने वाले ने रिपोर्ट लिखी, मतलब मैंने उसको एप्लीकेशन दिया तो वो ये बोला ठीक है हम आ जाएंगे, मेरे भाई ने पैसे भी दिए। कितने पैसे दिए? 6,000 रुपये दिए। किसको दिए थे? अब नाम मालूम नहीं है, पेड़ बैठता था, जिसको एप्लीकेशन दिया तो उसी को पैसे भी दिए। 6,000 किस बात के लिए उसने? अब ये तो सर मालूम नहीं है किस बात के लिए, लेकिन हमने अपनी उसके उद्देश्य दिया था, कुछ हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो कह रहे चलो ठीक है हो जाएगा, रिसीविंग मांगी तो रिसीविंग भी नहीं दी। किस थाने में दिया? मझगवां थाने में। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं हमारे मतलब से, कुछ भी नहीं की, पुलिस नहीं आई तो वो कह रहे थे विकास नाम के, एक संदीप नाम का, और दो लोग बाहर थे तो उनका मालूम नहीं है नाम, तो मेरे भाई को मारपीट की है घर में, उसकी मारपीट की है, और जो है मोबाइल ले गए, आधार कार्ड और बक्से में गोदरेज में बी आर माज में पैसे पड़े थे, आधार कार्ड वो तो सब कुछ बिछड़ा के ले चुके हैं, भाई मोबाइल देख रहा था तो मोबाइल छीन ले गया, वो काफ़ी मारपीट की है बहुत गंभीर हालत से, ऐसे एक करने वाला फोन था हमारे पास है, और जो बक्से एक्से ले गए, बक्से खोल करके पैसे ले गए, भाई को कल ऑपरेशन के लिए जाना था आज, लेकिन अब कोई ऐसी दिक्कत होगी तो उसकी वजह से नहीं गए यार, लेकिन अब सोचा कल जाएंगे तो फिर इसके बाद शाम को 3 बजे हालत होगी, मारपीट कर गए वो 30,000 रुपये ले चुके हैं गरीबों, और कल वो इधर गए थाने में मझगवां गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दी है, तो रिपोर्ट वाले दरोगा बोल रहा था ठीक है कल देखेंगे, और उसके बाद हमने 6,000 रुपये दिए। थाने आप गए थे? जी। रिपोर्ट आपने दर्ज कराई? फिर क्या हुआ? हम रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दरोगा बोला ठीक है हम सुबह आएंगे, जो रिसीविंग के लिए बोले दोबारा नहीं मिलेगी घायल अवस्था में, क्या है मामला? बताया जा रहा है कि उन्होंने कल किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया द्वारा है, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, एक आधे तो गंभीर अवस्था में, नाम इनका बालक दास उज्जवल पाल, उम्र 40 साल है, निवासी गुवाहानी थाना मझगवां, तो यहाँ होश में है ठीक है, परंतु मरीज इलाज करवाने में कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो क्या रेफर किया? हाँ, इन्हें जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया। कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन थोड़ा सीरियस है,